يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. गुज़श्ता हफ्ते सूरह हुजरात की इस आयत से मुताल्लिक गुफ्तगू आपके साथ में हुई थी। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरत के कुछ अहकाम बयान फरमाए हैं। गुज़श्ता हफ्ते आप हज़रात के सामने अर्ज किया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहली हिदायत ये दी है कि ईमान वालों आपस में एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, और इससे मुताबिक गुफ्तगू आप हजरात के सामने पिछले हफ्ते में आ चुकी है। अगली हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने ये दी, वला तलमिज़ू अन्फुसकुम, और आपस में एक दूसरे को ताना मत दो। ताना किसको कहते हैं? ताने का मतलब यह है कि अपने किसी भाई का कोई ऐसा है बयान करना जिसके बयान करने से उसके दिल को तकलीफ पहुंचे। अब वो है कोई, कभी तो गैर इख्तियारी भी होता है, कोई इख्तियारी भी होता है। जो गैर इख्तियारी है उसमें तो देना और भी बड़ा गुनाह है, लेकिन जो इख्तियारी है, मतलब अगर कोई शराब पीता है या कोई जुआ खेलता है या कोई सट्टा लगाता है या कोई और ऐसा गलत काम करता है, तो उस गलत काम के ऊपर भी उसको ताना देना उस काम को लेकर के, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, वला तलमिज़ू अन्फुसकुम, और आपस में दूसरे को ताना मत दो। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस रूप क्या इख्तियार किया, अगर तर्जमा करे आयत का तो क्या होगा, वला तलमिज़ू अन्फुसकुम, और अपने आप को ताना मत दो। अपने आप को तो कोई ताना नहीं देगा, लेकिन अगर आप दूसरे को ताना देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, कोई ना कोई है तो आपके अंदर भी होगा, तो वो आपको ताना दे, वो बदले में वो क्यों चूकेगा। तो अपने आप को ताना देने का सबक कौन बना? आप ही तो बने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसलूब ये इख्तियार किया कि वला तलमिज़ू अन्फुसकुम, अपने आप को ताना मत दो, यानी तुम सबक बन रहे हो अपने आप अपने ऊपर ताना दली सबक बन रहे हो अपने ऊपर ताना देने का। अगर दूसरे को ताना दे रहे हो तो जाहिर बात है वो तुम्हें ताना देगा, तो इससे क्या होगा, मुआशरे के अंदर फसाद फैलेगा, मुआशरे के अंदर फसाद फैलेगा। एक दूसरे की मोहब्बत के बजाय, उहुवत के बजाय, भाईचारे के बजाय हजत पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगी, बुग्ध पैदा होगा, अदावत पैदा होगी, मुआशरे के अंदर अनार्की फैलेगी। तो क्या करो, न दूसरे को ताना दो ना तुम्हें ताना देगा। और ताना क्यों दिया जाता है? जाहिर बात है दूसरे के किसी ऐब को बयान करने का मकसद या तो उसको हकीर समझना है, उसको जलील करना है, उसको हकीर समझना है और उसे जलील करना है। जब किसी को जलील किया जाएगा तो उसको तकलीफ तो पहुंचेगी, उसको ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी आदमी को आप जलील करना चाहें और उसे तकलीफ ना पहुंचे, ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। उसे तकलीफ क्या, भले से वो उस ऐब के अंदर मुबतला हो, भले वो उस ऐब को जानता हो कि आप वाकई असल मेरे अंदर ये ऐब मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे तकलीफ होगी। और किसी मुसलमान को तकलीफ देना, किसी मोमिन को तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाजा
इस बात से लगा लें कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तवाफ फरमा रहे थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला भी तवाफ फरमा रहे थे। तवाफ करते करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला से पूछा, अब्दुल्लाह ये काबा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने काबे को मुखातब करके फरमाया कि काबा तू कितनी हुरमत वाला है, तू कितने तकद्दस वाला है, तू कितनी अजमत वाला है। काबे को इस तरह कहकर के फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि अब्दुल्लाह क्या कोई चीज इस काबे की हुरमत से ज्यादा भी हुरमत वाली है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। ये सहाबे किराम का एक सीधा सा जवाब था, अल्लाह व रसूल, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे तो नहीं मालूम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं कि इससे ज्यादा हुरमत वाली क्या चीज होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्लाह बैतुल्लाह से ज्यादा हुरमत एक मोमिन की जान, उसके माल और उसकी आबरू की है। अगर कोई शख्स किसी मोमिन की जान या माल या आबरू को ना नुकसान पहुंचाता है तो वह बैतुल्लाह को उठाने से ज्यादा बड़ा गुनाह करता है। अब अंदाजा लगा लें, किसी मुसलमान की आबरू पर हमला करना, किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फरमाते हैं, बैतुल्लाह के तकद्दस को पामाल करने का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल, अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि नाहक किसी मोमिन की जान माल और आबरू को नुकसान पहुंचाने वाला बैतुल्लाह को ढाने वाले से भी ज्यादा बड़ा गुनाह। बदला ये कितना, कितनी अहमियत है इस बात की, एक मोमिन की जान की और उसकी माल की और उसकी इज्जत की, कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अहमियत बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लयुबदन्ना फिल हुतमा, ऐसी आग में डाला जाएगा जो अपने अंदर की हर चीज को मलिया मेद करने वाली। हुमा अदराक मल हुतमा, नारुल्लाहि अल-मूक़दतु अल्लज़ी तस्तली वल अफ़्दा, जो अंदर जिगर तक जाकर के उसकी खबर लाएगी। ऐसी आग यानी जहन्नम की आग तरीन आग है, उसमें भी सख्त तरीन, ऐसी आग के अंदर उसको डाला जाएगी। किसको, वैलुन लिकुल्ली हुमज़ातिन लुमज़ा, उस यही ताना देने वाले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सख्त सजा बयान कर दी। लेकिन मुआशरे के अंदर कोई अहमियत नहीं, कोई बेचारा जरा सा अगर उसके पैर में उतर है, अगर उसके पैर में थोड़ी सी गजी है, ओ लंगड़े कहते हैं ना, उससे उसको तकलीफ तो नहीं होती होगी, उससे उसकी दिल आजारी तो नहीं होगी, होगी ना। अगर किसी के हाथ में जरा सा है, ओ टुंडे, किसी की आंख में जरा सा वो है काने ही जरा, लेकिन ये वहां चलता है जहां आप हमारा सच चलता है। अगर वो काना हमसे ज्यादा ऊपर है तो फिर भाई साहब आपकी आंख में क्या हो गया, फिर तो इस तरह कहेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा हमारे से माध्य से, फिर उसको किस अंदाज से हम खत, यानी हम अपनी ताकत का इस तरह बेजा इस्तेमाल करते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के अहकाम की कोई परवाह नहीं है। ये क्या है, ये ताना देना, ये ताना देना नहीं, ये ताना ही तो है। और फिर किसी को शराबी कहना, मतलब कोई आदमी, आप नमाज पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी मिसाल में ये शराबी और आबी तो बहुत दूर की बात है, हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में कोई हमसे आगे को निकल जाए तो फिर हमारा जनाज कहां पहुंचता है, अंधा हो गया, दिखता नहीं था ये नमाज पढ़ रहा है ना, क्योंकि हम तो भाई ठेकेदार हैं जन्नत के, अल्लाह तबारक व तआला ने दरोगा बना करके भेज दिया है, हम तो रोजाना मस्जिद में आने वाले, ये कभी कभी मस्जिद में आया, इसको क्या हक है, लिहाजा। और अगर फिर वो भी कुछ होता है सवा शेर, तो वो भी कुछ सवा शेर अगर होता वो भी ऐसे कहता है, बस बस
बैठा रहो, पता कितना बड़ा नमाजी है ना, वो भी है। वाला दल बेजुआ तुम सको ताने बाजी मत करो, मत तो ताने एक दूसरे को, माशरे के अंदर अनार्की फैलेगी। और अल्लाह तबारक व ताला का कितना गजब जोश में आता है इसका अंदाजा इन वहीदों से लगा ले जो मैंने कुरान पाक किया है और हदीस सुना कर किया। हुजूर अलैहिस्सलाम हज्जतुल वदा के खास मौके पर, हज्जतुल वदा का खास मौका और हज्जतुल वदा के खास मौके पर जब अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, उस खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से पूछ रहे, आज कौन सा दिन है? आज या रसूलल्लाह अरफे का दिन है, यानी अरफे का दिन समझते हैं ना, हज का जो दिन होता है। बहरहाल ये कौन सी जगह है या रसूलल्लाह, या अरफात का मैदान है, ये कौन सा महीना या रसूल अल्लाह, ज़िलहिज का महीना है। महीना भी हुरमत वाला, दिन भी हुरमत वाला, जगह भी हुरमत वाली, और मकाम क्या है कि अल्लाह के रसूल हज्जतुल वदा का खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने मुखातब करके कहा, जिस तरह ये आज के दिन की हुरमत, इस मकाम की हुरमत, इस महीने की हुरमत है, इसी तरह एक मोमिन के जान की, उसकी माल की, उसकी आबरू की, जिस तरह इसका एहतराम करते हो, उसी तरह एक मोमिन की जान की, ईमान की, उसकी आबरू का एहतराम तुम्हें करना होगा। हक नहीं है किसी को कि उसकी जान की, ईमान की, उसकी आबरू के ऊपर हमला करे। लेकिन ये मुआशरे की एक ऐसी बीमारी है कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, और कुछ नहीं समझा जाता। हम समझते हैं दीन नमाज पढ़ लो और बाकी मस्जिद से बाहर चले जाओ, आगे दीन कुछ नहीं। दीन हर हर कदम पर रहनुमाई करता है, दीन हर हर कदम पर रहनुमा, किसी के साथ सुलूक हो तो क्या हो, किसी के साथ बातचीत हो तो कैसी हो, गुफ्तगु हो तो कैसी हो, मामला हो तो कैसा हो, पहल हर चीज के बारे में दीन की हमारे पास हिदायत। बदलाइए है कि नहीं है? अगर किसी को जरा सा भी कुछ देखते हैं किसी के अंदर, तो ताना देने के अंदर हम कोई कमी नहीं करते। अच्छा एक बात तो है, ताना देना एक है खैर खाही के साथ उसकी सैर से उसको आगाह करना। मसलन किसी के अंदर हम कोई नफ्स देखें, कोई ऐब देखें, कोई गुनाह का काम देखें, कोई गलती देखें, एक तो है उस गलती को लेकर के ताना देना, एक है खैर खाही के साथ उसको बताना, भाई ये गलती है, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, ये रास्ता तुम्हें दुनिया में भी नुकसान देगा, आखिरत में भी नुकसान देगा, इसलिए लिहाजा इस रास्ते से बचो, ये जो तुम्हारा तुम काम कर रहे हो इस काम को छोड़ दो। खैर खाही और मोहब्बत के साथ उसको समझाना ये अलग चीज है, इसका तो बाजाब्ता हुक्म दिया गया है, उसका बाजाब्ता हुक्म दिया गया है। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिन मिरातुल मोमिन, के एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आईने का मतलब क्या है? आईने के सामने आप जाके खड़े हो जाएं, आईना क्या करेगा आपको? अगर यहाँ कालस लग रही है, कुछ स्याही लग रही है, कोई धब्बा लग रहा है या कोई चीज लग रही है, तो आईना आपको बता देगा इसे साफ करना है। लेकिन आईना ऐलान नहीं करेगा जाते ही उसके सामने, देखो ये मेरे पास जो आया है इसके मुंह पर धब्बा लगा हुआ है, बस चुपचाप आपको ही तो बताएगा। और आपके पास जो आपके साथ आगे आईने के सामने खड़ा होगा उसे भी नहीं बताएगा, तुमसे पहले वाले के तो मुंह पे धब्बा था, तुम्हारा तो चेहरा बहुत साफ है, ऐसा कुछ नहीं। जो आईने के सामने खड़ा होगा बस उसी को बताएगा, चुपके से उसी का है। तो मोमिन आए मोमिन का आईना होने का मतलब ये है, अगर किसी अपने भाई के का कोई ऐब, किसी अपने भाई का कोई ऐब तुम पर जाहिर हो जाए, तो उसे खैर खाही के साथ, हमदर्दी के साथ, दुनिया और आखिरत की भलाई का तज़किरा करते हुए और दुनिया और आखिरत की नुकसान से बचाने की नीयत से कुछ कहना है क्या? तो फिर ऐसे क्यों खड़े हो भाई साहब, जब बिल्कुल लग रहा है कुछ दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचाने की नीयत से उसको चुपके से उसके कान में हमदर्दी के साथ तन्हाई में बिठा करके उस बात के बारे में उसे बतला दो कि भाई ये गलत बात है और तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। ये ताने में शामिल नहीं है। ताने में किसी ऐब को इस अंदाज से बयान करना कि उसकी जिल्लत और तहकीर हो, ये ताना है।
और ये कि किसी को हमदर्दी के साथ उसका है बता करके खैर खाई के साथ बताना, ये ताना नहीं है बल्कि ये नहीं अनिल मुनकर है जिसका हुक्म दिया गया है कुरान मुकद्दस के अंदर। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ताने से बचना चाहिए और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा जरूर अदा करना चाहिए। वला तनाबजु बिल अल्फाज, और दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो, दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो। ये दूसरे को बुरे नाम से पुकारना, ऐसा कोई नाम किसी का रख देना कि जिससे उसको तकलीफ हो उस नाम से, तो ऐसे नाम के साथ किसी को पुकारना, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। हाँ कभी कभी ऐसा होता है नाम कोई किसी का ऐसा बचपने से मशहूर हो जाता है कि उसका माना मतलब तो अच्छा नहीं होता, लेकिन वो शुरू बचपन से उसे आदत हो गई है ना, उसको बुरा लगता है अब, और ये मशहूर भी हो गया, उसके तारुफ के लिए ये लकब भी कहना ही पड़ेगा, ये वाला जुमला कहना ही पड़ेगा, उसके असली नाम से कोई जानता भी नहीं है, इस वाले लकब से ही जानते हैं जो बचपन से मशहूर है, और इसको इस नाम को लेकर के अगर उसको पुकारा जाए तो उसे तकलीफ भी नहीं होती। तो अगर ऐसा किसी का नाम पड़ गया है तो फिर ये जायज है, तो फिर ये जायज है। हाँ किसी का ऐसा नाम डालना जिसको उसको सुनकर के गुस्सा है, या ऐसे लकब से पुकारना, ऐसे नाम से पुकारना जिससे उसे तकलीफ हो, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। जिस तरह मैंने अभी कहा था किसी पैर में पैर वाले को लंगड़ा कह देना, या हाथ में अगर उज्र हो तो उसे टुंडा कहना, आंख में उज्र हो तो उसे काना कहना, इस तरीके की जो उयूब है, इस तरीके और भी दूसरे नाम बहुत सारे मुआशरे में पड़ जाते हैं। अगर जिसका नाम उर्फियत अगर ऐसी पड़ गई है, अगर उस उर्फियत से उसे तकलीफ है तो जायज नहीं है उस उर्फियत के साथ उसको पुकारना। ये होता क्यों है? आदमी दूसरे के आयबों पर नजर डालता है, अपने आय नहीं देता। ये क्यों होता है? दूसरे को ताना देना, दूसरे को ये सब तो कोई उतने यूसुब नहीं रखते हैं, कोई ना कोई कमी तो हमारे अंदर भी होगी, ऐसी तो बात नहीं, किसी की नाक टेढ़ी तो किसी के कान टेढ़े, कुछ ना कुछ तो किसी के साथ सबके साथ है। आपके अंदर कोई हुस्न है तो कोई नक्श है, कोई नक्श है तो कोई हुस्न भी है। तो अपने उयूब पर नजर नहीं जाती। इसी तरीके पर अगर कोई शराब पीता है तो हम भी तो बहुत सारी गलतियां करते होंगे, हम पर्दे के पीछे करते हैं वो खुल्लम खुल्ला कर रहा है, हम पर्दे के पीछे करते हैं वो सबके सामने अलग ऐलान कर रहा है। तो अगर किसी को ताना देने के लिए जबान उठे तो उसका इलाज यह है कि फौरन आदमी अपने उयूब पर नजर डाले, तू कितना दूध का गुना हुआ है, तू कितना दूध का धुला हुआ है, तेरे ऊपर नमाज फर्ज है, कितने खुशी और खुशू के साथ तू नमाज पढ़ता है, तू कैसे रोजे, तू अल्लाह के हुकूम की अदायगी मिन जुमला कितना करता है, तू कितने हुकूम को पामाल करता है अल्लाह तबारक व तआला के, तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कितने मरतबा सुबह से शाम तक अपने पैरों तले रोज देता है और तुझे एहसास नहीं होता। अपने गिरेबान में जब झांक लेंगे